हैदराबाद में खेला गया एलएसजी और एसआरएच के बीच एक जोरदार मुकाबला। ये मुकाबला अपने आप में दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा था और ऐसे में दोनों ही टीम के कप्तानों ने भी इस मैच में एक अलग तैयारी की थी, क्योंकि जिस तरीके से केएल राहुल ने इस मैच में खेला, मानो वो खेल रहे थे लेकिन ये मैच खेल रहे थे वो हैदराबाद के लिए। जिस तरह से एलएसजी के कप्तान केएल राहुल का इस मैच में इंटेंट दिखा, मानो उन्होंने तो सभी को हैरान कर दिया। केएल राहुल ने तो इस मैच में टेस्ट से भी स्लो पारी खेल दी, क्योंकि जिस तरीके से केएल राहुल का अप्रोच इस मैच में देखा, उन्होंने मानो अपनी ही टीम की लुटिया डुबो दी। ये पहली बार नहीं था, लेकिन इस मैच में भाई केएल राहुल से उम्मीद थी कि वो इस मैच के नतीजे को देखते हुए अपनी टीम के लिए उस इंटेंट से खेलेंगे और ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाएंगे। लेकिन टॉस जीत कर केएल राहुल ने बैटिंग करने का फैसला लिया, लेकिन केएल राहुल का बैटिंग करने का कोई इरादा नहीं दिखा, क्योंकि जिस तरीके से वो हैदराबाद के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे, मानो वो ऐसा लग रहा था कि नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका काम है बस बॉल को बैट में टच करना, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आज के मैच में खेला है, उसने तो पूरे लखनऊ के फैंस को कहते हैं ना कि हैरान नहीं, मतलब अपने आप में एक शॉकिंग चीज दिखा दी। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए 30 गज का दायरा भी ये खिलाड़ी पार नहीं कर पा रहा था और पूरे पावर प्ले के अंदर एक भी चौका नहीं लगाया। केएल राहुल ने मात्र एक छक्का लगाया, उसके बाद केएल राहुल की तरफ से अपनी टीम के लिए वो इंटेंट नहीं दिखी और आज के मैच में जो मैच अपने आप में बड़ा था, क्योंकि इससे पहले केएल राहुल की कप्तानी में केकेआर के खिलाफ 98 रनों की हार एलएसजी को मिली थी, ऐसे में टीम का रन रेट अपने आप में बहुत स्लो था और टीम को उम्मीद थी कि हैदराबाद के खिलाफ टीम बैटिंग करने उतरेगी और एक बड़ा स्कोर बनाएगी, जिसके बाद अगर टीम जीतती है तो रनों का अंतर थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। लेकिन केएल राहुल के इरादे तो कुछ अलग ही थे, वो बैटिंग करने आते हैं और पावर प्ले में पूरी तरीके से टीम को डुबा देते हैं। उनके प्रेशर से डिकॉक आउट होते हैं, स्टोनिस आउट होते हैं। अगर किसी भी क्रिकेट फैंस ने इस मैच को देखा होगा तो वो केएल राहुल पे जरूर सवाल उठाएगा, क्योंकि आज के मैच का अपना ही एक रोमांच था और इस रोमांच में केएल राहुल ने अपनी बैटिंग से पूरी तरीके से इस मैच को फीका कर दिया था। एलएसजी के लिए सबसे ज्यादा खराब बैटिंग की केएल राहुल ने। अगर बात करें तो केएल राहुल ने इस मैच में 33 गेंदे खेले, यानी कि 33 गेंदों में केएल राहुल के बल्ले से आते हैं 29 रन, जिसमें एक चौका और एक छक्का। यार ऐसी बैटिंग अपने आप में उस टीम के खिलाफ जिसके पास वो दमदार खिलाड़ी थे, जो उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से T20 क्रिकेट खेला जाता है। केएल राहुल ने पिच को गलत बताया, केएल राहुल ने पिच का बहाना लिया कि पिच पे बैटिंग करना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एसआरएच के बल्लेबाज आते हैं और उन्होंने पूरी तरीके से कहते हैं कि इतनी पिटाई कर दी कि केएल राहुल विकेट के पीछे से अपने आप को शर्म से उन्होंने सर को नीचे कर लिया, क्योंकि जो पिच का बहाना था वो इन दोनों बल्लेबाजों ने एक्सपोज कर दिया। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने 6 ओवर में 100 रन लगा दिए, 100 रन, और वही केएल राहुल की बैटिंग से लखनऊ की टीम ने 6 ओवर में 30 रन का, जो कहते हैं ना कि 30 रन भी अपने आप में, जो 1 ओवर में 27-28 रन यहां पे हैदराबाद के खिलाड़ी बना रहे थे, वहां पे केएल राहुल अपनी टीम को पूरी तरीके से डुबा दिया था। अपने इस मैच में केएल राहुल ने 87.87 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और टीम को कहते हैं कि इस प्ले आईपीएल में सबसे बड़ा जो कसूरवार बनाया है वो खुद को बना दिया है, क्योंकि एलएसजी के लिए केएल राहुल ही हैं वो जिसने हर मैच में पावर प्ले के ओवर्स को बेकार किया और टीम को एक कहते हैं कि जो मझधार में डालने का काम किया है वो केएल राहुल ने किया है। और आज के हार से एलएसजी के लिए प्लेऑफ्स बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आने वाले मैचेस आपको जीतने हैं, प्लस उसके साथ ही आपको दूसरे टीमों के मुकाबलों को हारने की उम्मीद भी करनी होगी। ऐसे में आपका रन रेट तो इतना कम है कि आने वाले मैच अगर आप जीत भी जाते हो तो आप प्लेऑफ्स में आपका पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में क्या कोई है कहते चमत्कार देखने को मिलता है या नहीं, क्योंकि बिना चमत्कार के एलएसजी का प्लेऑफ में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही साथ केएल राहुल की टुक टुक बैटिंग से टीम को और भी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा है।